राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम आ गए हैं राजधानी दिल्ली के मध्य में स्थित करोल बाग में झंडे वाला में। यहाँ पे झंडे वाली देवी का स्थान है और यहाँ हम घूमने आए हैं। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते रहते हैं घूमने के लिए और बहुत भीड़ होती है यहाँ पे नवरात्रों में। तो ये और दर्शनीय स्थल और भी सुशोभित हो जाता है। इस स्थान को राज्य सरकार ने प्रसिद्ध स्थलों में का दर्जा दिया है। जो दिल्ली के सभी समृद्ध प्रसिद्ध स्थल हैं उनमें इसका स्थान आता है घूमने के लिए, पर्यटकों के लिए। और हम भी माता का आशीर्वाद लेते हैं और हम चाहते थे कि जो है आपको भी माता का आशीर्वाद मिले, तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ आप वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी अपने दर्शकों को भी माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो। तो चलिए अंदर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, और इसी के साथ और मंदिर के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे हम। तो चलिए अंदर चल के माता के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। जय माता दी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो है ये शू स्टैंड है, यहाँ पे आप जूते अपने रख सकते हैं, जूते चप्पल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ के कोई पैसे नहीं लगने हैं। और आगे जो है हम गेट नंबर 1 और 2 से जाएंगे। आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि हम यहाँ झंडे वाला मंदिर और झंडे वाली देवी की रोचक और रोमांचित कर देने वाले इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाँ, झंडे वाला मंदिर का धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी महत्व है और इसी के साथ साथ माता के दर्शन भी करेंगे। झंडे वाला मंदिर के इतिहास की शुरुआत होती है 18वीं सदी से। आज जिस जगह पर मंदिर बना हुआ है उस समय यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियाँ घने वन हुआ करती थी और जाहिर सी बात है अनेक पशु पक्षियों का यह बसेरा होता था। इस शांत और रमणीय स्थान पर आसपास के निवासी सैर करने आया करते थे। ऐसे ही लोगों में चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध व्यापारी बद्रीदास भी थे। बद्रीदास धार्मिक व्यक्ति थे और वैष्णो देवी के भक्त भी थे। वे नियमित रूप से इस पहाड़ी वाले शांत स्थान पर सैर करने आते थे और ध्यान में लीन हो जाते थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब ध्यान में लीन बद्रीदास जी को ऐसा लगा जैसे वहीं कहीं आसपास किसी गुफा में प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन अचानक से सपने में उन्हें इसी क्षेत्र में एक मंदिर दिखा और उन्हें लगा कि कोई शक्ति उन्हें इस मंदिर को खोज निकालने के लिए प्रेरित कर रही है। इस अनोखी अनुभूति के बाद बद्रीदास ने उस स्थान को खोजने में जान लगा दिया। सपने में दिखाई दिए जगह के पास खुदाई करते समय गहरी गुफा में एक मूर्ति दिखाई दी। यह एक देवी की मूर्ति थी, परंतु खुदाई में मूर्ति के हाथ खंडित हो गए। अब और क्या, इसलिए उन्होंने खुदाई में प्राप्त मूर्ति को उसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर रहने दिया और ठीक उसके ऊपर देवी की एक नई मूर्ति स्थापित कर उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और उन्हीं मूर्ति के आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं। जो सामने आपको मूर्ति दिख रही है यह वह दूसरी मूर्ति है जो उन्होंने बनवाई थी, क्योंकि पहली जो मूर्ति खंडित मिली थी वो गुफा में ही रखी गई थी। आगे हम गुफा के भी दर्शन करेंगे। पता करने पे मालूम हुआ है कि गुफा में अभी जाके देवी के दर्शन नहीं कर सकते, तो बेशक हम गुफा के ही दर्शन कर लेंगे। और जहाँ तक झंडे वाला मंदिर नाम का प्रश्न है, इस अवसर पर जब प्राण प्रतिष्ठा नए मूर्ति की हो गई तब बद्रीदास जी ने मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ध्वज लगवाया जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था, जिसके कारण ही बाद में यह मंदिर झंडे वाला मंदिर के नाम से विख्यात हो गया और देवी को झंडे वाली देवी कहा जाने लगा। साथ ही खुदाई में प्राप्त मूर्ति जिस स्थान पर स्थापित है वह स्थान गुफा वाली माता के नाम से विख्यात हो गया है। गुफा वाली देवी जी के खंडित हाथों के स्थान पर चांदी के हाथ लगाए गए और इस मूर्ति की पूजा भी पूर्ण विधि विधान से किया जाने लगा।
वहीं पर खुदाई से प्राप्त एक चट्टान के ऊपर बने शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है, जिस पर नाग नागिन का जोड़ा उकेरा हुआ है। यह प्राचीन गुफा वाली माता और शिवलिंग भी भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, और इसी गुफा में जलाई गई ज्योति भी लगभग 8 दशकों से अखंड रूप से जल रही है। बद्रीदास अब भगत बद्रीदास नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। आसपास की जमीनों को मंदिर के विस्तार के लिए खरीद लिया था। भगत बद्रीदास ने अपना शेष जीवन माँ झंडे वाली की सेवा में ही समर्पित कर दिया। मंदिर की स्थापना के साथ ही इस स्थान पर भक्तों का आना जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे समय के साथ मंदिर का स्वरूप भी बदल गया। साथ ही मंदिर के आसपास का स्वरूप भी बदलने लगा और अरावली की हरी भरी पहाड़ियों पर जगह जगह भवन इमारतें बनने लगीं। भारत विभाजन के समय शरणार्थियों के रूप में राजधानी दिल्ली में आने वाले लोग जहाँ तहाँ बस गए, जिस वर्तमान में यह स्थान राजधानी के केंद्र में स्थित अनेक प्रसिद्ध एवं बहुत व्यस्त व्यापारिक केंद्रों से घिरा हुआ है, जिसमें पहाड़गंज। भगत बद्रीदास जी के बाद उनके बेटे और पोतों ने जो है मंदिर की देखरेख में अपने जीवन लगाए और उसके साथ ही एक सोसाइटी का निर्माण किया जो अब मंदिर की देखरेख अब तक कर रही, जो इस मंदिर से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। माता के दर्शन करने और मंदिर का इतिहास जानने के बाद अब बारी है देवों के देव महादेव से मिलने की। तो ये रहे हमारे महादेव। तो आप देख सकते हैं महादेव को कितना सुंदर सजाया गया है, और जो है इनका जलाभिषेक जो है हमेशा जारी रहता है, होता रहता है। और साइड में आप लोग बैठे नज़र आ जाएंगे और भक्तजन नज़र आ जाएंगे, और ये जो है पूरा एरिया कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। तो इसी के साथ हम यहाँ से निकलते हैं महादेव के दर्शन के बाद, बम बम भोले। और यहीं पे जो है मन को और प्रसन्नचित करने के लिए जो है ये रंगोली हमें नज़र आ गई, जो प्रभु श्री राम के आने की खुशी में बनाई गई थी। और सामने ही आप गुफा देख सकते हैं, जो ओरिजिनल माता की गुफा के बारे में हम बात कर रहे थे वही गुफा है वो। और वहीं पे जो है माता की ओरिजिनल मूर्ति भी है और शिवलिंग भी है ओरिजिनल। तो जय माता दी। फिलहाल तो ये बंद है, अंदर जाके हम दर्शन नहीं कर सकते, पर हाँ भविष्य में कभी फिर आए तो ज़रूर दर्शन करेंगे और चाहेंगे कि हम आपके आपको भी दर्शन कराएं। तो यहाँ से जो है हम फिर वापस एक नज़र डालते हुए निकल गए बाहर की तरफ। बाहर जो है सब लोग दर्शन करके जा रहे हैं, और सामने ही आपको दाहिनी तरफ में दिखेगा प्रसाद वितरण। तो हम ले के नहीं आए थे, यहाँ पे प्रसाद जो है मिलता है आपको ला के चढ़ाने की, अलग से तो चढ़ा सकते हैं पर हाँ यहाँ पे प्रसाद ऑलरेडी आपको मिलेगा। ये है एग्ज़िट पॉइंट, और यहाँ से हम दूसरी तरफ निकलेंगे और अपने जूते लेंगे। जैसा कि देखा आपने दोस्तों, हमने माता जी के दर्शन किए, साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए, हमने गुफा के दर्शन किए जहाँ से माता जी उत्पन्न हुई थी, हमने जो है महादेव के भी दर्शन किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दर्शन करके अच्छा लगा होगा, आपने अभी आनंद महसूस किया होगा जैसे मैंने किया। कि हमने जो इतिहास की बात करी उसने आपकी जानकारी में इजाफा किया होगा। इसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। जय माता दी। सेट गया ना। राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम आ गए हैं करोल बाद बाद अंकल जी तो मस्त लोकल, ये यहाँ आके गाड़ी खड़ी, चप्पल खोलो, सीधा माता जी के दरबार है। बाइक स्टार्ट होने वाली है, रुक जा। Yeah.